वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और बाहर नगर परिषद आपके द्वार आया हुआ है और मास्टर जी ऊपर गई हैं भागते भागते, ऊपर मतलब कि जो पेड़ पौधों का वो हो जाता है ना, नीचे गार्बेज जो हो जाता है, बंद हो जाता है, गंदे बोलते हैं ना ये, कुछ और बोलते हैं, कबाड़ आकर तो बोलते ही हैं। पता नहीं आए नहीं है, मैं देखती हूँ ऊपर जाके। चलो गेर दिया और ऊपर मौसम ठंडा हो रहा है, इन्होंने तो कपड़े धो दिए हैं। और ठंडे मौसम में क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों को नहीं लगती, बस एक ठंडा की लगती है इनको ठंड। ये वाले फ्लावर तो ठीक हैं, ये थोड़े हैं ना शेड में पड़े हुए हैं ना, तो इस वजह से ये तो ठीक हैं। चलो बाहर चलते हैं कहीं पासे। पालक लेके आएंगे, चलो आ जाओ पीछे पीछे मेरे, दरवाजा बंद कर दो ये। चलो नीचे भी मेरे को देखूं पहले मैं। थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, तू गेल पड़ी फोन उठा लेता है ना, है ना। तू इधर ही बैठा रहेगा, हम वहां जा रहे हैं पालक लेने के लिए, प्लाट में जा रहे हैं। सुन रहे हैं, ट्रेन भी क्यों करा दूं, दूसरा काम कर लेना, एक बज गया, अपना ट्यूशन का कर ले दूसरा। प्लाट में जा रहे हैं, वो लेके आएंगे पालक, ठीक है। चलो आज चलते हैं, चलो। यहाँ अपने प्लाट में आए हैं हम, और कुछ मिलेगा जो, साग तो खड़ा लेकिन पालक नहीं है यहाँ पर, जो हम लेने के लिए आए थे, कमी है। चलो जितनी भी है साज पाट लेंगे, देखी जाएगी। सो गाइस, हम आए हैं यहाँ अपने प्लाट में, और देखने तो आई थी यहाँ पालक, लेकिन पालक तो यहाँ दिखी ही नहीं। साग तो है, सरसों तो खड़ी है हमारी वहाँ और वहाँ, लेकिन पालक नहीं है, पालक तो काट ली होगी। और चलो कोई नहीं, जौन सी है वो हम ले जाएंगे और फिर देखते हैं इसका। तो गाइस अभी हम बनाएंगे घिया की सब्जी, और कुकर मैंने रख दिया है, इसमें दाल जो है वो तेल डाल के, तो पहले सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, फिर रोटी में काफ़ी दिनों से कपड़े धोए नहीं हैं, तो कपड़े भी धोने हैं, तो फिर शाम हो जाएगी ऐसे ही। तो आज का तो यही रूटीन है। क्या देख रहे हो, गेम खेल रहे हैं? कौन सी गेम है? पता नहीं। तेरा भाई क्या कर रहा है? मेरा भाई हाँ बैठा होगा। और बाबा जी क्या कह रहे थे, कुछ गुस्सा हुए थे क्या बाबा जी तेरे को? क्यों, कल बुलाने आए थे हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं कुछ नहीं बोला। हाँ अच्छा, ठंड हो रही थी ना इस वजह से। तो गाइस खाना खाने के बाद ऊपर आए थे, ऊपर ये मशीन लगा रखी है यहाँ, तो कपड़े धोने हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड, मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन कपड़े हैं, कपड़े तो धोने पड़ेंगे। और नीचे पता नहीं कौन खड़का रहा है, कौन है भाई ये? हाँ बोल, क्यों जब यहाँ भी तो है ही नहीं है, बताओ किसके साथ खेलोगे? प्रत्युषा तो ट्यूशन पे गया, अभी गया यहाँ से। हाँ वो भी बीने को देखने आया था, तो मैंने तो मैं तो आया था 2 मिनट खेल लूंगा, मैंने कहा जाना तो अभी ट्यूशन पर, मैं कहा तो नहीं उरा, चल बंद करूंगी मैंने, ऊपर जाना मैंने, इसके साथ खेल लेना ये देख, ये डैरी मैनू भी ले जा है, मेरे साथ क्या करेगा, ठंड हो रही है। चलो ठंड में अंदर बैठ जाए थोड़ी देर। तो गाइस अब धोए गए हैं कपड़े, आपको मैं बताऊं काफी समय हो गया मेरे को, और देखो बाहर ही हो गया, ये देखो मेरे पीछे ये लाइट जगा रखी है मैंने, और पीछे देखो अंधेरा हो गया है। ठंडी में ना पता क्या होता है, और यहाँ कुछ तक ये लगा लो कि आप, बहुत ठंड है यहाँ, धूप का तो देखो नामो निशान नहीं है, सबसे ज्यादा कह रहे हैं आज के अखबार में भी कि सबसे ज्यादा ठंड इस टाइम, ठंड का जो प्रकोप है वो कुरुक्षेत्र में बताए गए, यहाँ ज्यादा मतलब कि वो गिर रहा है जो। तो अभी कपड़े धो के हटी हूँ और नीचे जाऊंगी बर्तन करने हैं साफ, और फिर देखूंगी फिर खाना बनाने का समय हो जाएगा,
बहुत सारा दिन, आज का सारा दिन तो ऐसे ही चला गया। सर्दी में कुछ भी करने का मन नहीं करता, सर्दी में तो ऐसा होता है कि हाँ हम रजाई पे बैठ जाए, कोई बैठा बैठाए हमें कोई दे दे, लेकिन ऐसा हम तो नहीं कर सकते ना, बाहर से धोती बंद करके आती हूँ, हम तो नहीं, हमें कहाँ मिलेगा ऐसे। तो चलो कोई बात नहीं, करके खाना तो पड़ेगा भाई, ठीक है ना, कोई बैठे बैठाई नहीं देता। तो अभी फिलहाल मैं जो सा एक आधा रह गया उसे ड्रायल कर लिया है और उसे टांग देती हूँ। देखो ये अंदर ऐसे ऐसे टांगे हैं ये मंजे पे ही, तो सुबह बाहर टांगूंगी, ठीक है ना, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं था उसको टांगने का, रात हो गई है। तो जो कपड़े रह गए उनको भी कर लेती हूँ एडजस्टमेंट, उनकी भी कहीं ना कहीं टांग देती हूँ, फिर नीचे जाके मिलूंगी आपको। इनको नहीं ठंड लगती, ये सारा दिन बाहर घुमाते रहो हैं इनको, और वो विने भी है साथ में, कहाँ है विने, वो फिर रहा ठंड में दोनों के दोनों। अंदर चल विने, चलो अंदर, चल तू भी अंदर अपने, चल 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 चल। फाइनली गाइस अब समय हो चुका है व्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया, और पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ खास तो नहीं था लेकिन जो भी था वो मैंने आपके लिए अपलोड किया है। और एक और बात बता दूं, अभी समय हो रहा है, दिख रहा हो 7 बजने वाले और 6:54 हो रहे हैं, तो ये सुबह के 6 बज रही हैं। और मेरे से सब बहुत बड़ी गलती है ये मेरी कि मैं व्लॉग को एंड करना ही भूल गई और अब सुबह के टाइम में व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कई बार काम कर करके इतना थक जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, तो इसलिए सॉरी। और बाकी कोई बात नहीं, आज हुई आगे से नहीं होगी। तो ओके, टाटा बाय बाय।